जिला ऊना मुख्यालय के एमसी पार्क में स्वर्ण समाज मंच व ब्राह्मण कल्याण सभा के पदाधिकारियों समेत कई कार्यकर्ताओं ने लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों का 16वां रस्म पगड़ी का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शहर के समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि स्वर्ण समाज मंच के विरोध प्रदर्शन का एक अनूठा तरीका एहतियात किया है, जिसमें जीते जागते सांसदों को मृतक बनाकर उनका अंतिम संस्कार, चौथा अस्थियां विसर्जन व अब 16वां करके उनका विरोध किया जा रहा है। ये सब कुछ उसी कड़ी का एक भाग है, जिसमें एससी एसटी एक्ट को लेकर स्वर्ण समाज पूरे भारत में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। मातृशक्ति है, वो अपने बच्चों के प्रति बहुत सजग रहती है और चिंतित रहती है। इससे आपको क्या लगता है कि आने वाला भविष्य जो है बच्चों का कैसा होगा, इस पर कार्यक्रम के अनुसार अगर आप क्या लगता है कि दुनिया बढ़ेगी, इससे बहुत ज्यादा दुनिया बढ़ेगी और हमारे जो सवर्णों के बच्चे वो मजबूर हो जाएंगे, जैसे आज खुदकुशी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, ऐसे खुदकुशी करने में मजबूर हो जाएंगे। खिलाफ की है और क्या ये धर्म क्रांति जो है, जो हमारे स्वर्ण सांसद हिमाचल के हैं, उन्होंने ट्रस्टी एक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने एक धारा खत्म की थी कि किसी को बिना जांच पड़ताल के धंधा किया जाए, उसका समर्थन किया था उन्होंने, इसलिए हमने ये धंधा किया। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो पालन कर बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या की है, इसको हम पलटना नहीं कह रहे, इसको एक काला कानून बनाना कह रहे हैं, ये काला कानून बनाया गया। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे चुनावों में जो है हमारी रणनीति एक ही है कि हम किसी भी दल का समर्थन नहीं करेंगे, जो दल स्वर्ण समाज के की बात करेगा स्वर्ण समाज उसी के साथ चलेगा, नहीं तो लोग का आप कह रहे हैं कि जो हमारे को समर्थन नहीं कर रहा हम उसी को वोट देंगे, क्या ये अहमान कर रहे हैं आप? आह्वान नहीं कर रहे हैं हम, ये स्वर्ण जाति को सचेत कर रहे हैं कि आने वाली जो 2019 में इलेक्शन होंगे उनके लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जितने भी हमारे सांसद हैं अब उन्होंने तो हमारे को जेल जाने के लिए एक कानून पारित कर दिया, लेकिन जैसे भी ये कानून 2019 में चुनाव आएगा हम उसकी रणनीति स्वर्ण जाति खुद बनाएंगे, और हो सकता है कि शायद हमारी स्वर्ण जाति वाले अपने अपने सांसद खड़े करें और उनके लिए भी हम पता करेगा कि वोट डाल सकते हैं। इस मामले में जो इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जो बदला गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि के बारे में आपका क्या कहना है कि उनकी छवि कैसे बनी है और पहले क्या उनके बारे में? देखो पहले बहुत अच्छी छवि थी, उन्होंने जब संसद में निर्णय लेकर एक अध्यादेश जो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अध्यादेश पास किया है उसके विरुद्ध सारी स्वर्ण जाति जो है वो भड़क उठी है, और इस वक्त सारी हमारी जो मांगे हैं वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था उसको ही लागू करें, और जो है जो आपने अध्यादेश जारी किया उसको वापस लिया। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ऊना से पूनम शर्मा की रिपोर्ट।